नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स हिस्ट्री चैप्टर वन। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है ना, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, क्या, कहाँ, कैसे, कब चीज़ें हुई हैं, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हिस्ट्री है तो ये सारे क्वेश्चन तो बनते ही हैं बेटा, तो ये अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चनों का आंसर देंगे। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है, रशीदा एक दिन क्या कर रही होती है, न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। सडनली उसकी आंखें हेडलाइन पे जाती है और हेडलाइन में लिखा होता है 100 ईयर एगो। वो तुरंत ही क्या हो जाती है, एक सरप्राइज, एक वंडर, अचंभा होता है उसे कि कैसे हम इतनी लंबी चीज़ें को याद रख सकते हैं। मैं तो कल की बात याद नहीं रख पाती हूँ, लेकिन हम इतने लंबे समय तक बातें कैसे याद रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उसके मन में चलने लग जाता है। तो वहीं से एक क्वेश्चन आता है, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन्ड यस्टरडे यू कुड लिसन द रेडियो। अगर कल की बात हो तो आप रेडियो सुन सकते हो, टीवी देख सकते हो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर वगैरह रीड करके कल की बातों का आप पता लगा सकते हो। लास्ट ईयर आज समबडी हु रिमेंबर, लास्ट ईयर क्या हुआ, कौन याद रखता है। बट व्हाट अबाउट द लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। अब देखते हैं ये कैसे होता होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखो हम कर सकते हैं, जो भी पास्ट में लोग, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, तो हम देखेंगे वहाँ जो सेवरल थिंग्स हैं, वी कैन फाइंड आउट, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम उसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पीपल पहले क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, उनकी जो, देखो वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ ऑफ हंटर की लाइफ कैसी थी, हर्डर की लाइफ कैसी थी, फार्मर्स की लाइफ कैसी थी, रूलर्स की, मर्चेंट्स की, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्लेड, कौन से किस टाइप के गेम वो लोग खेलते थे, द स्टोरीज दे हर्ड, कौन सी स्टोरी सुनते थे, है ना, द प्लेज दे प्लेज दे सो, क्या खेलते थे, क्या देखते थे, है ना, और कौन सा गाना गाते थे, कि उस ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं पुराने लोगों के बारे में। तो वेयर डू द पीपल लिव, अब सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि ये लोग रहते कहाँ थे। तो देखो एक मैप है, मैप में आपको मैं ले जाऊँगा, टेंशन नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा, है ना। तो हम देखते हैं, फाइंड आउट द नर्मदा रिवर ऑन अ मैप। तो नर्मदा रिवर जी बेटा, जो महाराष्ट्र के अमरकंटक से निकलती है, गुजरात से होते हुए वो अरेबियन सी में चली जाती है, नर्मदा रिवर, मैं आपको अच्छी तरीके से मैप पर दिखाऊंगा अभी। तो फाइंड आउट द रिवर ऑन द नर्मदा रिवर। तो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर अ सेवरल 100,000 ईयर एगो। मतलब इस नदी के किनारे पे लोग आज से कुछ 1,000 साल पहले रहते थे, है ना। सम ऑफ द अर्लीस्ट हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर, जो पहले यहाँ पे रहते थे वो स्किल्ड गैदरर होते थे, मतलब दैट इज हु गैदर देयर फूड, हम जो अपना फूड गैदर करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, और वो जो सराउंडिंग फॉरेस्ट है ना, उनके बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते थे। एंड कलेक्टेड रूट फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, वो सारी ये चीज़ें कलेक्ट कर लेते थे अपने खाने के लिए। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, और वो जानवरों का भी शिकार करते थे। अब एक इन्होंने, देखो अब मैं जैसे आपको एक मैप दिखा देता हूँ, मैप में देखो ये क्या है, ये है आपकी नर्मदा रिवर, तो यहाँ पे लोग रहते थे, है ना, ये लोग अपना जीवन यापन यहीं पे करते थे। अब ये देखो, ये किरदार है और ये सुलेमान है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये पहाड़ी हिल्स है, ये इंडस रिवर है, और ये आपकी गंगा रिवर है, क्योंकि ये अभी उसमें आएंगे आपको, और ये सोन रिवर है देखने के लिए आएंगे, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये गारो हिल्स है, ये ध्यान में रखना है बेटा, और ये इंडस को ही सतलुज रिवर बोलते हैं हम हिंदी में, और फिर उसके बाद ये आपकी चेनाब, ये सारी थार डेजर्ट राजस्थान में, यमुना रिवर, हिमालय, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और विंध्याज, ये विंध्या है यहाँ पे, सतपुरा रेंज है, फिर उसके बाद ये गोदावरी, और फिर ये डेक्कन प्लेट्यू है आपका, कृष्णा रिवर है, पेनार रिवर है, कावेरी रिवर है,
आपकी ये सारी रिवर्स आपको अभी धीरे धीरे इन सभी चीज़ों में आ जाएगी। अंडमान निकोबार है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली मतलब मैप को हमने अच्छी तरीके से देख लिया। तो मैप में अभी हमने देखा नर्मदा रिवर कहाँ है और सुलेमान और किरतार हिल भी, ये इस साइड नॉर्थ वेस्ट में है ना, सुलेमान और किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, ये हमने देखा। Some of the area where the women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8000 year ago. कुछ एरिया यहाँ पे थे जहाँ पे औरत और आदमी ने गेहूँ और बारले उगाना शुरू कर दिया, 8000 साल पहले की बात है जो यहाँ पे लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? सुलेमान और किरतार हिल्स, जो नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलता है। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल, रियरिंग एनिमल मतलब एनिमल का पालन पोषण भी करने लगे, लाइक शीप गोट कैटल्स, ये सारी चीज़ें वो लोग पालने लगे एंड लिव्ड इन द विलेज, और गांव में रहने लगे, रहते थे वो। लोकेट द गारो हिल्स, गारो हिल्स मैंने अभी आपको बताया नॉर्थ ईस्ट में, हाँ, और विंध्याचल सेंट्रल इंडिया में आपको देखने को मिला। दीज वर सम ऑफ द अदर एरिया, ये कुछ अदर एरियाज हैं, ये देखो, ये मैं आपको दिखा दूँ फिर वापस से एक बार। चलो ये गारो हिल्स है और ये विंध्या रीजन है ना, ये कुछ एरियाज हैं। तो ये एरियाज क्या है देखो, इसको और थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। ये कुछ एरिया जो है एग्रीकल्चरली क्या थे, डेवलप थे अच्छे खासे। तो द प्लेस वेयर द राइस फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, कुछ जो प्लेस है जहाँ पे राइस सबसे पहले ग्रो हुआ उसे हम बोलते हैं जो नॉर्थ में जो आपका विंध्यास देखने को मिलता है। तो आपसे पूछ सकते हैं सबसे पहले राइस कहाँ ग्रो हुआ, तो इजीली आप बता सकते हो। अब आपको ट्रेस करना है मैप में इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी। मैंने बताया आपको अभी इंडस रिवर अभी मैंने दिखाई थी, उसकी चार ट्रिब्यूटरी भी दिखाई थी मैंने आपको, है ना। ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होती है, उनकी सहायक नदी, जो लंबी नदी में जाके जो छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं वो क्या होती हैं, उसकी ट्रिब्यूटरी होती है। तो अभी मैंने दिखाई थी, वापस से चलो मैं एक बार वापस से दिखा देता हूँ। ये देखो ये मैंने बताई थी ना इंडस रिवर, इसकी चार छोटी छोटी, ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सारी क्या है, इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी हैं, ये सारी इसमें जाके मिल जाती हैं। तो ये मैंने बताई। अब देखो इंडिया को हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि इंडिया में जो पहले लोग रहते थे ना वो इंडस नदी के किनारे रहते थे, इसके लिए हम इसे बोलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अबाउट 4700 ईयर एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। तो मैंने बताया 4700 ईयर एगो बहुत सारी सिटीज़, कुछ सिटीज़ जो थी वो इस नदी के किनारे पे फ्लरिश हुई थी, मतलब काफ़ी अच्छी खासी बढ़ रही थी। लेटर अबाउट 2500 ईयर एगो, अब 2500 ईयर 2500 साल पहले सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, अब गंगा के किनारे भी डेवलप होने लगी। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट, मतलब सी कोस्ट समुद्र के किनारे भी और इसकी ट्रिब्यूटरी के किनारे पे भी क्या हो गई, इस अपनी ये सिटीज़ डेवलप होने लगी। तो ये आपको पता चल गया बेटा, गंगा रिवर भी आ गई है ना। अब आपको देखना है, मैंने बताया गंगा रिवर बताई थी और अभी मैंने बोला था गंगा रिवर को लोकेट करना होगा और आपको उसकी ट्रिब्यूटरी जो सोन कहलाती है, तो गंगा और सोन को दो। अब आपको क्या करना है, लोकेट करना है गंगा को, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी को जो सोन है, ऑलरेडी मैंने लोकेट कर दी है। इन एंशियंट टाइम द एरिया दोज रिवर ऑफ द साउथ ऑफ द गंगा, एक सिटी सिचुएटेड इज गंगा के साउथ में, कुछ साल पहले पुराने समय में पहले तो वहाँ पे साउथ में एक सिटी डेवलप थी जिसका नाम था मगध, और मगध जो था बहुत ही पावरफुल था, उसका ना ही मगध में ही बल्कि हर कंट्री के अदर पार्ट्स में भी उसका किंगडम देखने को मिलता था। ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली पिछले पास्ट में क्या होता था क्या नहीं होता था, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया, हम कैसे पता करेंगे। अब थ्रू आउट द पीपल, ये सारी चीज़ें हो रही थी इसके दौरान ही लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही, है ना। तो ये आपको पता चल रहा है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं। द हिल एंड द हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयस डेजर्ट रिवर्स एंड सीज मेड द जर्नी डेंजरस एट द टाइम। अब ये सारी चीज़ें जो होती थी, हिल जो माउंटेन्स होते थे, डेजर्ट होते थे, रिवर्स होते, सी होते थे, ये जर्नी को क्या कर देते, थोड़ा डिफिकल्ट कर देते थे, है ना। इससे जर्नी में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, लोग इतने वो थे, मोटिवेटेड रहते थे कि वो सब कुछ कर जाते थे, जो होगा देखा जाएगा। जो आदमी और औरत होते थे ना वो यहाँ से वहाँ क्यों घूमते थे, अपनी लाइवलीहुड की सर्च में, है ना, जीवन यापन करने के लिए। सो द मैन एंड वुमेन मूव्ड सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो एस्केप
फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए भी, जैसे फ्लड आ जाता था कभी कभी, ड्रॉट आ जाता था, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये सारी चीज़ें, ये आप इनको क्या करना पड़ता था, मूवमेंट करना पड़ता था। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन द आर्मी कंकरिंग अदर, है ना, तो कुछ मार्च आ जाता था आर्मी का, कंकरिंग करने, कंकरिंग मतलब जीतने के लिए आ जाते थे, लैंड जीतने के लिए, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। तो इसकी वजह से आदमी को क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली ट्रैवल करते रहना पड़ता था। बिसाइड द मर्चेंट ट्रैवल विद द कारवां और शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस एंड रिलीजियस टीचर वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज। और जो रिलीजियस टीचर होते थे वो क्या होते थे, विलेज टू विलेज घूमते थे, टाउन टू टाउन घूमते थे, स्टॉपिंग ऑफर द इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन देते थे और एडवाइस देते थे। फाइनली सम पीपल परहैप ट्रैवल ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, लेकिन कुछ लोग होते थे जो एडवेंचर की स्पिरिट से चलते थे, आज कुछ तूफानी करते हैं ऐसा करके, और वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग प्लेस, और उनको नई नया जगह, जैसे इंडिया की खोज भी कैसे हो गई थी, तो भाई वास्को डी गामा ने जब इंडिया की खोज की और तो कैसे की, ये एडवेंचरस ही तो था, है ना, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। और कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी, है ना, तो वो भी क्या था, एडवेंचरस ही था, लोग नई नई जगह खोजने के लिए जाते थे, नई नई एक्साइटिंग चीज़ें देखने के लिए मिल जाते थे। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन द पीपल। अब ये सारी चीज़ें जो घूम रही थी ना, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। अब इंडिया में आए लोग, जैसे मुग़ल आए तो हमको पता चला वहाँ के बारे में क्या होता है, मुग़ल कैसे होते हैं, आज हमें पता चल रहा है। और फिर जैसे तुर्की आए, जैसे अंग्रेज आए, है ना, ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही है कि आज अंग्रेज कैसे होते हैं, मुग़ल कैसे होते हैं, मुस्लिम कैसे होते हैं, मुस्लिम जो इंडिया में आए वो कैसे होते हैं, ये आज हमें देखने को मिलता है। तो इससे क्या हुआ, हमारे आइडियाज़ शेयर हो गए, उनके धर्म के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना, उन्होंने हमारे धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जाना, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी थी वो भी काफ़ी कुछ जाना। ये सारी चीज़ें, ये हम क्या होती हैं, शेयरिंग होती है। लेकिन पहले तो लोग समझ में आ गया कि इसलिए ट्रैवल करते थे, उनको तकलीफें होती थी, लेकिन आज क्यों ट्रैवल करते हैं, व्हाई डू पीपल मूव ट्रैवल नाउअडेज। देखो, हिल्स माउंटेन्स एंड द सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सम कॉन्टिनेंट, ये आपने देख लिया, नेचुरल फ्रंटियर सब कॉन्टिनेंट के, हिल्स आपको देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे और सीज, चारों तरफ इंडिया देखोगे तो आप इस तरीके से घिरा हुआ है, एक तरफ समुंदर है, एक तरफ हिमालय है, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस द फ्रंटियर, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था फ्रंटियर क्रॉस करना। दोज हु वॉन्टेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सी, जो करना चाहता था वो कर जाता था, माउंटेन को चढ़ जाता था, माउंटेन को क्रॉस कर जाता था, सी को क्रॉस कर जाता था। लेकिन आप हिस्ट्री में देखोगे बेटा, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ कि इंडिया की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग बाहर जाके उन्होंने कोई नई कंट्री सर्च कर दी हो, उस पर कॉलोनी बना ली हो, इंडिया में कभी लोग ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि समुंदर था एक तरफ हिमालय था, तो ये सारी चीज़ें इंडिया को रोकती रहती थी और इंडिया इतना सोच नहीं पाया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। पीपल अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो कम टू सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। अब क्या हुआ, जो फ्रंटियर था ना, जैसे समुद्र के किनारे से और फिर पहाड़ों के किनारे से, लोग वहाँ से भाग भाग के आते थे और इंडिया में क्या हो जाते थे, सेटल भी हो जाते थे। पहले इंडिया, आज का इंडिया थोड़ा फ़र्क है, है ना, पहले पाकिस्तान भी आ जाता था, बांग्लादेश भी आ जाता था, अफगान भी आ जाता था थोड़ा बहुत, और इसके बाद ये सारी कंट्री इसमें इंडिया में आ जाती थी, तो लोग काफ़ी बाहर बाहर से आके क्या हो गए, इसमें सेटल्ड हो गए, सेटल हो गए। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो मूवमेंट हुई ना, को तो हमारा जो कल्चर है ना, अच्छा खासा मिक्स्ड हो गया और डेवलप हो गया, है ना, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक दिखने लगा। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, अपने नए नए तरीके उन्होंने दिखाए स्टोन कार्विंग करने के, कंपोजिंग म्यूजिक करने के। अब अरब से आए थे लोग तो अरब की तरह के म्यूज़िक बताएंगे, इंग्लैंड से आए तो इंग्लैंड की तरह के म्यूज़िक बताएंगे, हम इंडियन तो दोनों मिला के नई नई म्यूज़िक का कंपोजिशन होता ही रहता था। इवन खाने बनाने के अलग अलग तरीके और ओवर सेवरल हंड्रेड ईयर्स ये सारी चीज़ें आपको देखोगे चलती रही थी काफ़ी लंबे समय तक। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम डिस्कस करेंगे नेम ऑफ द लैंड। अब देखो, मतलब इस ज़मीन का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा दो वर्ड हमारी कंट्री के लिए हमेशा यूज़ होते हैं, एक होता है इंडिया और एक होता है भारत।
तो जो इंडिया आया ना वो कहाँ से आया, एक इंडस रिवर है, मैंने इंडस रिवर बताई उस वहाँ से आया। इंडस रिवर को हम संस्कृत में बोलते हैं सिंधु रिवर। तो जो ईरानियन थे ना जो, और ग्रीस वाले, ग्रीस से और ईरान से जो लोग आते थे ना, ईरानियन एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर एगो, मतलब 2500 साल पहले जो आए थे, तो यहाँ से काफ़ी फैमिलियर थे वो। तो यहाँ के जो लोगों को था, जो मतलब इंडस रिवर को, वो सिंधु रिवर को वो इंदू इंदू करने लगे, बाद में उसे हिंदोज हिंदोज बोलने लगे और इंडोज इंडोज बोलने लगे। तो यहीं से ही आपका नाम पड़ गया क्या, इंडिया। तो आपको समझ में आया, तो आप बोल सकते हो ईरानियन और ग्रीक इसको क्या बोलते थे, सिंधु नदी को इंडोज इंदू इंदू करते थे, उसके बाद से इंडोज इंडोज करते थे, यहीं से आपका हिंदू और इंडिया पड़ गया। तो आप समझ में आ गया आपको ये सारी चीज़ें। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, है ना। जो भी जो लैंड था इस रिवर के ईस्ट में, उसी को हमने क्या बोल दिया, इंडिया। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई। द नेम भरत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। अब जो भरत था ना वो कैसे आया नाम, जो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, हु, इसका मेंशन आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिलेगा। अब देखो बेटा, जो महाभारत देखते हैं, जो महाभारत पे बिलीव करते हैं, तो जो भीष्म पितामह, ये सारे, और इसका नाम है क्या, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, पांडु, ये सारे किसकी वंशज थे, भरत वंशज तो थे, तो वहाँ से भी इसको बोलते हैं भरत, ऐसे नाम पड़ा। तो आप देख सकते हो, देखो ये आपको मेंशन करना है, ये तो मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ, बाकी आप यहाँ से ही मेंशन करो। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन द संस्कृत, है ना, ये लेटर पहले क्या था, ये ऋग्वेद जो है संस्कृत में ही देखने को मिलेगी आपको, हिंदी में तो देखने को मिलती नहीं है, आजकल हो जाती है ना, आजकल तो हिंदी में, अब तो सभी लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, धीरे धीरे इसको हमने कंट्री के लिए यूज़ किया, भरत जो नाम आया। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, अब हमें पास्ट के बारे में फाइंड करना है, तो पास्ट के बारे में मैंने बताया कैसे कैसे हम फाइंड करते हैं। दे आर द सेवरल वेज फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। सबसे पहले हम देखते हैं, वन इज टू सर्च फॉर, हमें सर्च क्या करना पड़ेगा, बुक्स रीड करनी पड़ेगी, हमें राइटिंग समझनी पड़ेगी जो पहले लिखते थे, आर कॉल्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट। जो देखो पान के लीफ पे जो राइटिंग होती थी उसे हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। राइटिंग जो लीफ वगैरह पे लिखते हैं ना उसे हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, हाँ हाथ से लिखी होती थी, है ना, तो इसीलिए हम उसे बोलते थे मैन्यूस्क्रिप्ट। और यूजली रिटन ऑन द पाम लीफ, पाम लीफ पे लिखी होती थी, इसकी वजह से हम, देखो पाम लीफ पे लिखी तो हमने उसे बोल दिया मैन्यूस्क्रिप्ट, अभी और आगे बढ़ाएगा इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज द बर्च, और बार्क तैयार करते थे लिखने के लिए, विच ग्रोज इन इन द हिमालयस। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट, यहाँ से आप समझोगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ओवर द ईयर मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन बाय द इंसेक्ट, जैसे जैसे साल बीतते गए बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट कौन खा गए, इंसेक्ट खा गए। तो जहाँ जो सारा हमारा जो पुराना रिकॉर्ड था वो सारा क्या होता चला गया, डिस्ट्रॉय हो गया। बट मैनी, ये देखो जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है पाम लीफ पे ये लिखते थे लोग, लेकिन मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन कुछ क्या कर गए, सर्वाइव कर गए। ऑफन प्रेजेंट इन द टेम्पल, आज भी देखने को मिलेंगे आपको कहाँ पे, टेम्पल में, मोनिस्ट्रीज में, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। दीज बुक्स डेल विद ऑल किंग्स ऑफ सब्जेक्ट, मतलब ये सभी किंग्स के बारे में हमें सारी चीज़ें बताने को देखने को मिलती हैं इन मैन्यूस्क्रिप्ट में। रिलीजियन बिलीफ भी देखने को मिलता है, क्या प्रैक्टिसेस करते थे लोग वो भी देख, किंग वगैरह प्रैक्टिस तो करते थे। द लाइफ ऑफ द किंगडम, किंग्स की वगैरह की लाइफ कैसी थी, वहाँ पे मेडिसिन कैसा था उस समय में, साइंस कैसी थी, है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। उसके साथ ही साथ और भी, उसके अलावा भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता था, जैसे एपिक्स हो गई, पोएम हो गई, प्लेस हो गए, ये सारे बेटा जो गीता महाभारत, ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिलती है, ऐसे ही तो मिलती है देखने को। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन द संस्कृत, बहुत सारी चीज़ें संस्कृत में देखने को मिलती है। अदर वर इन अ प्राकृति, प्राकृति मतलब संस्कृत की दूसरी फॉर्म आ जाती है, लैंग्वेज है प्राकृति, तो दूसरी हमें प्राकृति में देखने को मिलती है। तो संस्कृत और प्राकृति आपको ध्यान में रखना है। जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज, जो जो हाई लेवल के लोग होते थे वो संस्कृत बोलते थे, जो ऑर्डिनरी लोग होते थे वो प्राकृति बोलते थे। तो ये हो गई एक ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज, एंड तमिल में भी आपको देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब वी कैन ऑल्सो स्टडी
इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन बेटा क्या होता है, देखो एक मैन्युस्क्रिप्ट होता है, मैन्युस्क्रिप्ट मैंने बताया पान के पत्तों पे लिख देते हैं। अब इंस्क्रिप्शन में क्या होता है बेटा, पत्थर जो होते हैं ना उनके ऊपर जो लिखा होता है ना उसे हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। आया समझ में? इंस्क्रिप्शन क्या होता है, दीज आर रिटन ऑन द रिलेटिव हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस पे लिखा होगा सच एज अ स्टोन और मेटल। आप स्टोन और मेटल पे कुछ भी चीज़ लिखी होगी तो वो क्या होगी, इंस्क्रिप्शन कहलाएगी, हार्ड सरफेस पे लिखी होगी। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब सो दैट द पीपल कुड सी। क्या होता था कभी कभी जो ऑर्डर जो होता किंग जो होता था ना अपना ऑर्डर बता देता था, लोग उसको क्या करते थे फॉलो करने लग जाते थे, उसको रीड करते थे, फिर उसका आज्ञा का पालन करते थे। देर आर अदर किंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन एज वेल, और दूसरे किंग का इंस्क्रिप्शन भी, मतलब बहुत सारे किंग्स का हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। तो उनमें क्या लिखा रहता था देखो, उनमें वेयर द मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। अब जो किंग और क्वीन होते थे उन्होंने क्या क्या किया वो सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड भी करते थे। उन्होंने कितना, फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन रिकॉर्डेड द विक्ट्रीज इन अ बैटल, तो कितनी बैटल जीते कितनी हारे वो सारी चीज़ें, वो हारे तो नहीं रिकॉर्ड करते थे लेकिन हाँ कितनी जीते वो सारी चीज़ें वो लोग क्या करते थे एक इंस्क्रिप्शन में अच्छी खासी रिकॉर्ड कर लिख के रखते थे। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं हमारे पास। कैन यू थिंक द एडवांटेज ऑफ द राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस पर लिखने का फ़ायदा आप बता सकते हो क्या, एंड वट कुड हैव बीन बी द डिफ़िकल्टीज, और क्या डिफ़िकल्टीज हो सकती है ये आप बता सकते हो क्या। ये देखो ये हार्ड सरफेस पे लिखने का ये है, ये आपको दिखाया हुआ है इंस्क्रिप्शन के बारे में, तो ये आपको पता चल गया इंस्क्रिप्शन। देर आर द मैनी अदर थिंग्स दैट मेड यूज इन द पास्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पास्ट में यूज तो हुई हैं। दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द आर्कियोलॉजी, अब जो पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टडी जो करता है, जो पास्ट में ऑब्जेक्ट मिलते हैं ना हमें, जो पास्ट के कोई भी ऑब्जेक्ट वस्तु जो हमें मिलती है उसकी जो स्टडी करता है ना उसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आपने देखा होगा खड्डे खोद के बोलते हैं हमें ये मिल गया, अब हमें पास्ट के बारे में ऐसे जान सकते हैं, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स के रिमेन देखते हैं, वो कौन से स्टोन के बने हुए हैं, कौन से ब्रिक्स के बने हुए हैं, पेंटिंग कैसी है, स्कल्पचर कैसे हैं, ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं और तिकड़मबाजी करते रहते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर द एक्सकवेट डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब वो जमीन, एक्सकवेट मतलब क्या होता है, सरफेस जमीन के अंदर खोद खोद के नई नई चीज़ें, साइंटिस्ट मतलब अपनी फील्ड में वो साइंटिस्ट बने रहते हैं और क्या करते हैं नई नई चीज़ें फाइंड आउट करते रहते हैं। देखो हमने ये फाइंड कर लिया, जैसे टूल्स भी कभी कभी फाइंड कर लेते हैं, वेपन देख लेते हैं, पोर्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, पेंस कुछ ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और ये इसके लिए काफ़ी म्यूजियम्स ही हैं, जैसे दिल्ली का नेशनल म्यूजियम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मथुरा का म्यूजियम बहुत ही ज़्यादा फेमस है इन चीज़ों के लिए। तो ये आप चीज़ें कभी अगर म्यूजियम में जाओगे तो ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ ये जो ऑब्जेक्ट है ना किसके बने हुए हैं, स्टोन के बने होते हैं। अदर्स किसी किसी कोई कोई हड्डी के बने होते हैं, कोई कोई क्ले मिट्टी के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल है ना, और फिर सब्सटेंस यूजली सर्वाइव ओवर अ लॉन्ग टाइम, मतलब ऐसे हार्ड वगैरह बने होते थे, अच्छे खासे बने होते थे कि लंबे समय तक ये क्या हो जाते थे, चल जाते थे। तो ये सारी चीज़ें ये खोद खोद के निकालते रहते हैं, ये इनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे ये देखो इन्होंने ये भी खोद के निकाल दिया, ये भी खोद के निकाल दिया, अब इससे आप क्या समझोगे, आर्कियोलॉजिस्ट समझ जाते हैं ना, क्योंकि अपनी फील्ड में क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। ये देखो ये सारी चीज़ें पोर्ट फ्रॉम द ओल्ड सिटी और पोस्ट लाइक, देखो ये कब यूज़ हुआ था इनको पता भी चल गया, यूज़ कब हुआ था 47,000 ईयर एगो। तो ये लोग सर्च करते रहते हैं, इनका डेटा निकालते रहते हैं, इनका DNA फाइंड करते रहते हैं लोग, कार्बन डेटिंग से हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, और अब हम आ जाते हैं थोड़ा और आगे। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर अ बोन, जो हड्डियाँ मिलती हैं ना उसके ऊपर भी देखने की कोशिश करते हैं, ऑफ एनिमल बर्ड्स फिश ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, और वो देखते हैं लोग पहले क्या खाते थे है ना पास्ट में। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, प्लांट तो सर्वाइव बहुत ही रेयरली करते हैं है ना। इफ सीड्स ऑफ अ ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म, मतलब ये ज़्यादा समय तक लंबे समय तक ये चलते नहीं है ना, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं।
अब ये आपको पता चल गया आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या है। डू यू थिंक इज अ क्लॉथ फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आपको लगता है जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे उनको कपड़े भी मिलते होंगे? हाँ, क्लॉथ वगैरह फाउंड होते होंगे। तो हिस्टोरियन दैट इज अ स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स ऑफ सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द मैन्यूस्क्रिप्ट। देखो जो आपको जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना वो बताते हैं हमें जो भी पास्ट की जो हमें सोर्स मिलती है ना इंफॉर्मेशन की वो कहाँ से मिलती है, सिर्फ और सिर्फ मैन्यूस्क्रिप्ट से मिलती है, इंस्क्रिप्शन से मिलती है एंड आर्कियोलॉजी से मिलती है। आर्कियोलॉजी मैंने बताया ना खड्डा खोद खोद के निकालते रहते हैं, और मैन्यूस्क्रिप्ट जो पान के पत्तों पर लिखा रहता है, इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पर लिखा होता है और हार्ड सरफेस पर लिखा होता है। तो वंस सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। अगर आपको सोर्स मिल जाए तो आपको पास्ट के बारे में पढ़ने में मज़ा आ जाता है, एडवेंचरस हो जाता है इनको। तो एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, अब हम उसे क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं बिट बाय बिट। सो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव। तो हिस्टोरियन जो होते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना वो डिटेक्टिव का काम कर रहे होते हैं ना, स्पेशल डिटेक्टिव होते हैं कि पास्ट में क्या हुआ होगा। तो हु यूज ऑल दोज सोर्स लाइक क्लूज एंड टू फाइंड आउट आवर पास्ट, और ये सारी चीज़ें करते रहते हैं और हमारे पास्ट को जानने की कोशिश करते। तो हमने काफ़ी कुछ जाना बेटा। अब देखो ये एक अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये बता रहे हैं आ वन पास्ट और मैनी पास्ट, हमारा एक पास्ट है या बहुत पास्ट है। अगर आपने चैप्टर के नाम पे नोटिस किया होगा तो वहाँ पे लिखा था आवर पास्ट। आवर पास्ट मतलब हम सभी का पास्ट क्या है, अलग अलग है। ये प्लूरल फॉर्म में भी इन्होंने दिया हुआ है पास्ट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखो एक किंग है और उसी समय में एक फार्मर है, एक क्या है आपका मर्चेंट है, और ये क्या है कोई भी गरीब इंसान है। अब इसकी लाइफ उस समय में अलग चल रही होगी, इसकी लाइफ किंग की लाइफ तो रॉयल्टी वाली चल रही होगी, बेचारे फार्मर की तो बेचारा सूखे से परेशान होगा, और वो जो मर्चेंट होगा उसका व्यापार ही नहीं हो रहा होगा, उसका अलग तरीके का प्रॉब्लम होगा, और जो गरीब होगा बेचारा भूखा ही मर रहा होगा। तो है ना, इन सब की लाइफ क्या थी, सभी की लाइफ अलग अलग थी, मतलब सभी का पास्ट एक नहीं था, सभी का पास्ट अलग अलग था। अब आप फार्मर के पास जाके पूछोगे भाई आज से 1000 साल पहले भी मेरे को ड्रॉट आता था, ये आता था, मेरे को कभी संतुष्टि की ज़िंदगी नहीं मिली, ऐसा ही बताएगा। किंग तो बोलेगा मैं तो पहले भी राजा था आज भी राजा हूँ। और जो मर्चेंटों का भाई मेरा ट्रेड होता है कभी नहीं होता है, ऐसी ऐसी बातें करेगा। और गरीब बोलेगा भाई हम तो ज़िंदगी भर के लिए गरीब ही रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो सभी का पास्ट क्या है, अलग अलग है, एक पास्ट नहीं हो सकता, हम सबका अलग अलग पास्ट है। आया समझ में? तुम किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, मैं किस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, ये हमारा पास्ट होता है ना। अगर हमारा पास्ट अच्छा है तो हमारा फ्यूचर अच्छा हो सकता है, लेकिन हम मेहनत करें तो फ्यूचर भी अच्छा बना सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ तो पास्ट ऐसे डिसाइड होता है। तो ये आपको पता चल गया, जैसे कुछ कंट्रीज़ के इन सारी चीज़ें इन्होंने बता दी है। अब आपको पता चल गया पास्ट सबके, देखो जैसे इन्होंने बताया हुआ हंटर गैदर की लाइफ कैसी होती थी, ये सब सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। अब हम आ जाते हैं मैन्यू, व्हाट डू डेट्स मीन, डेट मतलब क्या होता है। अब आपको मैं सिंपल सा समझाता हूँ। देखो जो जीजस क्राइस्ट थे, जो कृष्णों के गॉड हैं, है ना, जीजस क्राइस्ट है ना, उनसे जो पहले की जो डेट है ना उसे हम बोलते हैं BC, और जीजस क्राइस्ट जब मरे तो उसको हम बोलते हैं 0, और जीजस क्राइस्ट के बाद वाली जो डेट आती है ना उसे हम बोलते हैं एना डोमिनो, है ना। तो ये बिफोर क्राइस्ट, इसे हम कॉमन एरा भी बोल सकते हैं, ये नहीं, इसे BCE बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, इसे हम बोलते हैं CE भी बोल सकते हैं, कॉमन एरा। तो ये आपको पता चल गया, यहाँ पे 0 होता है। अब जैसे आपको लिखेंगे कि हाँ आपने देखा होगा 25,000 BC, तो मतलब 2500 BC। अब जैसे गौतम बुद्ध के बारे में बोलते हैं 540 BC, तो 540 क्या हो गया, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ये अभी कॉमन एरा में नहीं है, ये बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, बहुत लंबे समय पहले की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं BC वगैरह में, ये आपको पता चल गया डेट्स वगैरह क्या होती है, जीजस क्राइस्ट के बर्थ पे सारी डेटें निर्धारित होती हैं। तो बेटा हमारा यहीं पे ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ। देखो ये फॉलोइंग, देखो मैच द फॉलोइंग है, नर्मदा वैली आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, और मगध कहाँ पे देखने को मिलता है, गारो हिल्स, इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, गंगा वैली। तो हम देखो द फर्स्ट बिग किंगडम आपको कहाँ देखने को मिला था, तो मगध में ही देखने को मिला था, है ना। नर्मदा नदी के किनारे पे क्या होता था, सबसे पहले एग्रीकल्चर आपको नर्मदा नदी के किनारे पे देखने को मिली। गारो हिल्स
इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, और वहाँ पे क्या हो रही थी, सिटीज़ बहुत सारी बन रही थी, है ना। और ये सारी चीज़ें आपको गंगा वैली पे आपको सिटीज़ 2500 साल पहले देखने को मिलेंगी। और गारो हिल्स पे क्या हो रहा था, अंटिंग एंड गैदरिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को निकली थी। मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में डिफरेंस बताना है बेटा, मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है ना। तो ये अब ये सारी चीज़ें आपने कवर कर ली। अब हम ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।